तुम कत्ल करते हो तो कुछ नहीं होता, हम आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जैसे 20% आबादी अगर वैश्य समाज की है तो हर 5 में 1, 40 में 8 और बकिए कोई का बोरे बोरे नून, कोई का बोरहुला न नून। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए, इस सेगमेंट में आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो बिहार की राजनीति में किसी पहचान का मुहताज नहीं है। वामपंथ से लेकर दक्षिण पंथ तक और बीच के दिनों में समाजवाद की धारा में रहते हुए इन्होंने राजनीति की एक लंबी पारी खेली है। बिहार के तकरीबन सभी राजनीतिक दल के दिग्गजों के साथ इनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, पर इनकी अपनी पहचान वैश्य समाज की राजनीति को लेकर के है। वैश्य समाज का एक बड़ा चेहरा, वैश्य समाज की राजनीति को प्रभावित करने वाला चेहरा, वैश्य समाज में एक जाना पहचाना चेहरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं साहू भूपाल भारती की। भारती जी आज हमारे साथ हैं और भारती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है केकेएन पर। चलिए, आपका भी स्वागत है आपके चैनल का। चूंकि कई वर्षों से मैं जब देख रहा था, सुन रहा था, तो लगता था कि जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं और जमीन से जुड़े हुए लोगों को एक मुकाम तक पहुंचाने का आप एक जरिया हैं और आगे भी इसी रूप में रहेंगे। यह मेरी पूरी उम्मीद है कि आप अपने उद्देश्य पर सफल होंगे। धन्यवाद भोपाल जी। भोपाल जी, हम लोग बातचीत की शुरुआत करें, आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। आप वैसे समाज से जुड़े हैं, लोकसभा चुनाव अपने सवाब पर है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार आज थमने वाला है। बीजेपी 400 पार जाने का नारा देकर के इस चुनाव में है, दूसरे दल के लोगों का भी अपना एजेंडा है, लेकिन बीजेपी का क्या होगा इसको लेकर के बड़ा शंका है। बड़ी कई तरह की बातें कही जा रही है, 400 पार कैसे होगा। जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का कोर वोट वैश्य समाज को कहा जाता है, वैश्य समाज में भी थोड़ी नाराजगी है। आपकी बातों से भी कई बार लगा कि वैश्य समाज में नाराजगी है, तो वैश्य समाज क्या करेगा, क्या भविष्य होगा, और भी इन तमाम चीजों पर हम आपसे बहुत सारी बात करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब चीजों पर हम लोग बातचीत के सिलसिला को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम लोग देखते हैं एक रिपोर्ट। साहू भूपाल भारती बिहार में वैश्य राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री और बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के उपाध्यक्ष रहते हुए भोपाल भारती पूरे बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। विशेष करके तिरहुत प्रमंडल के चुनावी राजनीति में भोपाल भारती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वामपंथ की विचारधारा से भोपाल भारती ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, बाद के दिनों में समाजवाद की पृष्ठभूमि से जुड़ते चले गए। हालिया वर्षों में साहू भोपाल भारती ने बीजेपी में शामिल होकर अपने लिए संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी में ये ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं। सीतामढ़ी और शिवहर लोकसभा से वैश्य समाज का टिकट कटने के बाद इन दिनों भोपाल भारती बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर तेरी समाज को सम्मान नहीं मिल रहा है, उसके पीछे हम किसी जाति का होकर हम किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर है। जिस दिन हम बंधुआ मजदूरी छोड़ देंगे, 2.5% आबादी वाला 3-5 MP मंत्री बन जाता है और 3% आबादी वाला सुन बन जाता है। और मैं सबके तुझे वोट देता हूँ, जिस जाति का 5 MP है, जिसका 5 मंत्री बना है, उस आपके मोतिहारी में अगर उस जाति का राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार हो जाता है, एक एक वोट उनका लैंडिंग को वोट पड़ेगा। कहते हैं कि गत विधानसभा चुनाव में भोपाल भारती मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, किंतु पार्टी से टिकट नहीं मिला। कहा जाता है कि उन दिनों चुप रहकर भोपाल भारती ने असंतोष का घूंट पी लिया था, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भोपाल भारती का असंतोष फूट पड़ा है। भोपाल भारती की एक और पहचान है,
दरअसल वो जाति को लेकर बहुत मुखर रहते हैं। जाति की राजनीति उनके रग रग में बसी है। इसको लेकर कई बार इनको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके भोपाल भारती अक्सर कहते हैं, जिस तरह से जातीय जनगणना में अति पिछड़ी जातियों को जो कम करके दिखाया गया है, उसी तरह उसमें और भी मैं त्रुटि देखा हूं कि कुछ जातियों के आर्थिक स्थिति को एक जाति विशेष को बहुत ज्यादा गरीब बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी जैसे तेली है, कानू है, नुनिया है, मलाह है, कई छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उतनी खराब स्थिति नहीं बताई गई है। पिछली जाति 36.1 पॉइंट इसका आया है और रिजर्वेशन आपने 18 से 25 किया। मैं इसके लिए नीतीश कुमार जी को स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं, लेकिन यह अपर्याप्त है। 36 को 25 दे रहे हैं, कम से कम 36.1% को कम से कम 30% किया जाए, तब मैं इसके लिए अच्छा मार्क्स दूंगा श्री नीतीश कुमार जी। भारती जी, जब आप बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी के मार्क्स की बात बता रहे थे, कितने नंबर आप देंगे, जब आप बोल रहे थे तब नीतीश कुमार जी आपके साथ नहीं थे, महागठबंधन का हिस्सा थे, आज वो आपके साथ हैं, आप कितने नंबर देंगे? देखिए, सवाल तो आपका बहुत गंभीर है। निश्चित तौर पर नीतीश जी पिछले कई टर्म से इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, इससे उनका जो एक पॉलिटिकल ग्राफ तेजी के साथ घटा है, और कहीं भी बाजार में कहिएगा कि पलटू राम माने नीतीश कुमार जी को लोग समझ रहे हैं। एक दौर था, आप भी ऐसा कहेंगे, लोग कह रहा है, आप बीजेपी में हैं, अब हमारे भी लोग, तब जब हम लोग के दल से चले गए थे श्री लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी में, तो हमारे भी नेता लोग पलटू राम उनको कह ही रहे थे। चूंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, जो भी हमारे नेताओं का वक्ता बारा है उसमें मेरा भी शामिल हो सकता है, वो तो हम लोग उनको कहिए रहे थे, और पिना उनको हम लोगों ने बहुत उसी से मिलाया है, पब्लिक है, सब जानती है कि क्या मंशा है। हम लोग इस सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे, राजनीति पर बात करेंगे, लोकसभा चुनाव है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि आपके ऊपर एक इल्जाम है कि आप अपनी राजनीति के धुरी को वैश्य समाज से ऊपर नहीं उठा पाते हैं, आप सिर्फ वैश्य समाज की राजनीति से जुड़े रहते हैं और सिर्फ एक ही समाज की बात करते हैं। जैसे मैं वैश्य समाज की राजनीति की बात करता हूं, लेकिन किसी का अहित नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग अपनी जाति की बात करते हैं लेकिन दूसरे का अहित करके। वैश्य समाज 56 उपजातियों का एक समूह है, जिसमें तेली समाज भी एक उपजाति है। अभी जो जनगणना हुई है, उस जनगणना में 56 उपजातियों के वैश्य समाज में सर्वाधिक आबादी तेली का आया है। तेली अति पिछड़ी जाति में भी आया है, और अति पिछड़ी में 113 जातियां जो सरकार चिन्हित की, उसमें सर्वाधिक आबादी तेली का है। आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सभी में तेली जाति का बहुत पिछड़ापन था, अभी भी है। उसका लोग सुबह मुंह देखने से भी परहेज करते थे, उसका पानी पीने से परहेज करते थे, उसका चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौड़ी घी तक खाने से परहेज करते थे, यानी वो उपेक्षित वर्ग रहा है। समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को राजनीति के मुख्य धारा से ले जाने के लिए अगर कोई प्रयास किया जाए और उस पर अगर जातिवादी करने का आरोप है, तो मैं उस आरोप को स्वीकार करता हूं। तुम कत्ल करते हो तो कुछ नहीं होता, हम आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमारे समाज पर आपका उत्पीड़न होता है, आपके हमारे समाज पर रंगदारी वसूली जाती है, हमारे समाज पर तरह तरह की अपनाएं दी जाती है, हमारे समाज का अपहरण होता है, और हमारे समाज को सामाजिक तौर पर उत्पीड़न किया जाए और हम चुप रहे, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप जिस राजनीति में अपने लिए संभावनाओं को तलाश रहे हैं, क्या वह सिर्फ एक समाज की राजनीति करने से वह संभावना, वह मंजिल आपको मिलेगा? जी नहीं,
कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसी एक जाति और एक समाज से राजनीति नहीं। हम श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम उस पर विश्वास करते हैं। और हमने हमेशा कोशिश की कि मैं समाज के सभी वर्गों को लेकर चले, लेकिन जो पिछड़े हैं, जो समाज के अंतिम पौदान पर हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके हित की बात करते हैं, इसमें मैं समझता हूं कि कोई जातीयता की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए कि अभी जो लोकसभा का चुनाव है, आपके समाज का टिकट सीतामढ़ी और शिवहर से कट गया बीजेपी के द्वारा, जिस पार्टी से आप जुड़े हैं। उसके बाद वैश्य समाज, जिसको कि कोर वोटर कहा जाता है बीजेपी का, उसमें थोड़ी असंतोष है, कुछ आक्रोश भी है, कई बार आपने भी बयान दिया है, अभी आपका एक रिपोर्ट में हम लोग देख भी रहे थे। तो क्या लगता है कि क्या होगा शिवहर और सीतामढ़ी का जो टिकट कटा है, उसका पूरे उत्तर बिहार पर या बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? तो बिहार की राजनीति को देखते हैं बड़ा करीब से। देखिए, श्री नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना कराए, उनका भी मकसद था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, नौकरी में भागीदारी, सब में भागीदारी दिया जाए। मिला जुलाकर 18-20% जो सर्वे आपकी आई है उसमें वह समाज के 56 उपजातियों का आया, अति पिछड़ी जाति का 36.1% आया। तो हम लोग को उम्मीद जगी कि हम जब 36% है, हम जब 20% है, तो हाल ही में चुनाव आया, चुनाव आया तो आपने जैसे 20% आबादी अगर वैश्य समाज की है तो हर 5 में 1, 40 में 8, अगर अति पिछड़ी जाती है तो हर 3 में 1, एकदम गणित है। और जब हम भारतीय जनता पार्टी का मैं देख रहा हूं, जब टिकट बंटवारे की बात आई, 17 मिला 10% आबादी को, और बकिए 90% आबादी में कितना ले गए, 7 ले गए। 36 में देखिए मात्र 10% भी आपने प्रति टिकट में नहीं दिया। इसके पहले देखा जाए, पुनः आप नीतीश कुमार जी आपके साथ है, हम लोग के साथ है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया आपने, तो पहले 2-2 उप मुख्यमंत्री 36.1% आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले अति पिछड़ा समाज के, श्रीमती रेणु देवी जी आपको नूनिया समाज से आती है, उसको आप, उनको आपने उप मुख्यमंत्री बनाया था। फिर 20-22% आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले श्री तारकिशोर जी को उप मुख्यमंत्री बनाए थे। और जब जातीय जनगणना के बाद आपने मंत्रिमंडल का गठन किया तो दोनों को आउट कर दिए, 2.5% वाले को और 5% वाले को। तो मैं समझता हूं कि अगर हक की बात उठाना, हम पर जातीयता का आरोप लगाने की बात आ रही है, तो मैं आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हक की लड़ाई के लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए हम तैयार हैं। तो इस बार वैश्य समाज क्या करेगा, इस लोकसभा चुनाव में क्या करेगा? हमसे अपेक्षा, हमारी उपेक्षा नहीं चलेगी। जिस ढंग से जलील किया गया है, क्या लोग वोटर क्या करेगा? हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में है, श्रीमती बीना देवी जी राजपूत जाति से आती हैं, फिर उसे थोड़ा सा हम पश्चिम बढ़ेंगे छपरा, वो आपके जो मैंने रूढ़ी साहब हैं, फिर उसके बगल में जाएंगे राधामोहन सिंह ना, सिग्रीवाल जी, जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल जी, फिर उसके बगल में जाएंगे राधामोहन सिंह, फिर उसके बगल में आएंगे तो लवलीनंद, यानी एक जगह 5 और बाकी कोई का बोरे बोरे नून, कोई का बोरहुला नून, क्या माने अंधर, माने क्या, कौन सा आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं? राधा मोहन सिंह जी पर आरोप लगता है कि वैश्य समाज को
खंडित करने में, वैश्य समाज के टिकट को कटवाने में, वैश्य समाज पर प्रताड़ना करने में उनका एक नंबर हाथ है। जाकर मोतिहारी के एक एक लोगों से पूछिए, माने आपका उम्र 73 हो गया, आप 5 बार 6 बार एमपी बने तो आपका टिकट रह जाता है, और रमा देवी जी का कट जाता है, सुनील कुमार पिंटू का कट जाता है। कितनी बड़ी आबादी को आप कहां ले जा रहे हैं और कितनी छोटी आबादी को आप कहां ले जा रहे हैं। इस गैर इंसाफी के खिलाफ बिहार का वैश्य समाज इस बार आमने सामने होगा, और आप तो पिछले बार एक चुनाव हो गया है, दूसरा चुनाव कल परसों होने जा रहा है, वैश्य समाज पूरी तरह चादर तान कर सो रहा है, देख लीजिए। और यही स्थिति है मुजफ्फरपुर में भी, इसका असर पड़ेगा। अरे मुजफ्फरपुर में तो ज्यादा असर पड़ेगा, मैं तो ब्रह्मर्षि समाज में देख रहा हूँ। एक दौर में ब्रह्मर्षि समाज के को क्या प्रतिनिधित्व देते थे, ब्राह्मण समाज भी देख रहा है, इस बार ब्रह्मर्षि समाज भी वैश्य समाज के साथ अपनी उपेक्षा का एकदम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी को महंगा सौदा साबित होगा। मतलब वैश्य समाज अगर बीजेपी का साथ नहीं दिया तो फिर किसके साथ जाएगा, विचार कर रहा है, माने चुनाव हो गया विचार ही कर रहे हैं, विचार माने कर ही रहा है, लोग ना साइलेंट है। जहां जहां वैश्य समाज के उम्मीदवार है उसके पक्ष में लोग वोट कर रहा है। यही कारण है कि आज श्री आनंद मोहन जी को कहना पड़ रहा है कि वैश्य समाज हमको वोट नहीं दे रहा है, मोदी जी समझे कुशवाहा समाज नहीं वोट दे रहा है, वो नीतीश जी समझे। और ये क्यों आपका गुस्सा है, आप कहते हैं कि हम वैश्य के यहां नहीं जाएंगे, हम कुशवाहा के नहीं जाएंगे, कुर्मी के यहां नहीं जाएंगे। जब आप जीत जाइएगा, जब इस पर घटनाएं होगी, इसके साथ हत्या बलात्कार की घटनाएं होगी, इसके साथ लूट होगी, इस पर पुलिसिया जुल्म होगा, तब कहिए कि आपने मोदी के नाम पर हमको वोट दिए थे, हमको थोड़े वोट दिए थे, इसलिए मोदी जी को समझिए। और मोदी जी के निकट सब जाने का क्या रास्ता आपके पास है। सवाल भी उठते रहा है कि आप वैश्य समाज की राजनीति से जुड़े हैं, वैश्य समाज को आप मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, राजनीति में उसको प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते हैं, तो लोगों का कहना है कि आपके तो प्रधानमंत्री हैं, आप ही के समाज से हैं, तो आप जिस तरीके का यहाँ भूमिका निभा रहे हैं तो अब तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अगर ये स्थिति हो गई तो। देखिए, तो गैर वैश्य को प्रधानमंत्री के रूप में आप स्वीकार करेंगे। देखिए, सवाल है कि इसके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, क्या उनके समाज के लोगों को अपने बिहार में प्रतिनिधित्व दिया था कि नहीं दिया था। बिहार में थे लालू प्रसाद यादव जी कमाई समीकरण है, वो ज्यादा अथी प्रधानमंत्री के रेस में हो सकते हैं या यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो उनके समाज को आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। अगर श्री नरेंद्र मोदी आपके समाज का होते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का आपको गर्व दिलवाया, विश्व की सबसे बड़ी माने विश्व गुरु बनने का खिताब लेने की स्थिति में है, तो जेकरे भोज ओकरे पत्ता पर भात ना। जिस समाज ने आपको इतना आगे बढ़ाया उस समाज को आप टिकट नहीं दीजिएगा, मंत्रिमंडल में नहीं शामिल कीजिएगा, केंद्र में सरकार आपकी 2 बार चली है, एक भी अति पिछड़ा और वैश्य समाज को केंद्र में मंत्री बनाया है क्या, 6-6 मंत्री आपने बनाए हैं, तो किसकी बात चल रही है, हमारी बात कहां रुक जा रही है। हम सिर्फ प्रधानमंत्री हैं यही कहकर अब ज्यादा हम खोला खोली नहीं करना चाहते हैं कि चलिए भाई ज्यादा खोलेंगे तो आप लोग कहिएगा कि पार्टी विरोधी बोल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री की चलती तो बिहार में ही वैश्य समाज की दुर्दशा होती कि एक एक मंत्री के लिए तरसना पड़ता। मतलब बीजेपी में जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की ही चलती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री की नहीं चलती, चलती किसकी है। चल बिहार में जो लोग करे किए हैं सो देख रहे हैं, बिहार में जिस अमित शाह जी की भी नहीं चल रही है, दोनों तो आप ही के समाज से है। नहीं चल रहे टॉप लीडर चल रही है बिहार में, क्या सिचुएशन बना मतलब बिहार में आकर के अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का नहीं, यहाँ का जो कोकस है उस कोकस से तो मैंने वो घिर गए, इसलिए आज यह दुर्दशा देखने को मैंने कह रहे हैं 400 पार अच्छी बात है, 540 क्या लगता है 400 पार होगा। अब जब बिहार में 40 में 40 नहीं हो रहा है तो वहां 400 कैसे हो सकता है। मतलब बीजेपी नेता आप स्वीकार करते हैं कि 400 पार हम कम रहे हैं,
हमारा हमारा वोट का प्रतिशत कम रहा है। कितना सीट आप अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार में आपको आएगा? अभी तो विभिन्न सर्वे सब जो आ रहा है, लोगों की जो बात आ रही है, हम 40 में 40 नहीं जा रहे हैं। मतलब कितना? अब कथी कहा सुनी करवाइएगा, लेकिन हम समझते हैं कि अगर व्यक्तिगत मेरा जो लोगों का रुझान देख रहे हैं, आप तो मैंने 30 पार कर गए, यही काफी है। अच्छा, ऐसी भी स्थिति हो सकती है आज के डेट में। मतलब और जिस ढंग से नीचे भी, हाँ, जिस ढंग से आपके नेता लोग भाषण कर रहे हैं कि हम फलना जाति में नहीं जाएंगे, फलना जाति में नहीं जाएंगे, इस तरह का बयान अगर और देने लगे, जिस तरह से जदयू के लोग भाजपा को कॉपरेट नहीं कर रहे, भाजपा के लोग जदयू को कॉपरेट नहीं कर रहे, दिखाई दे रहा है। हम इसलिए आपके चैनल के माध्यम से करें कि शीर्ष नेतृत्व देख ले। वैशालिये के बारे में हमारे भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप टिकट तो दे दिए, कभी उम्मीदवार भाजपा को समझा क्या? मुजफ्फरपुर में भी क्या स्थिति हो रही है? आप सक्रिय प्रचार में नहीं है? अभी तक तो मैं साइलेंट मुद्रा में हूं। अभी के बाद क्या करूं? अभी के बाद अब विचार करेंगे, बीजेपी के मंच पर जाएंगे। अब जहां हमारी उपेक्षा हो रही है, हम कैसे जाएंगे? तो कहां जाएंगे? महागठबंधन के मंच पर जाएंगे? अभी देखिए, मैं अभी तो नोटा भी है सभा में अपने लोगों को। तो आप जैसे लोग तो चुप बैठ नहीं सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना आप। जनता जिधर जाएगी, हम लोग मैंने चुप रहेंगे बस। हमारे वोटर जिधर जाएंगे, वोटर में जो गुस्सा है, जहां लोग बता रहा है कि जहां सम्मान वहीं मतदान। कहां सम्मान दिख रहा है? सम्मान दिख ना रहा है, हमारे लोग देख रहे हैं कि हम आपको 100% 90% वोट कर रहे हैं। एक संजय जायसवाल जी, वो कथित तौर पर मैंने बैस है, उनको बैस की राजनीति से कोई मतलब नहीं था, कभी भी बैस के लिए सोचते भी नहीं है, लेकिन चलिए जायसवाल लग गया इसलिए हम मानते हैं। लेकिन इधर रितु जायसवाल भी जैसे चेहरे को अगर राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मानित किया है, इसको बिहार की के बैस समाज देख रहे हैं। तो सुमन महासेठ जी को भी सम्मानित किया है, उसको भी देख रहे हैं। कानू बैस समाज के आरा से उम्मीदवार है, उसको भी लोग देख रहे हैं। इस तरह से मतलब महागठबंधन में आपके समाज को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया, हाँ, दिया जा रहा है। हाँ? आप इच्छा के बीजेपी, हाँ, दे रहे, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप हमको नहीं दे रहे हैं, और वो हम जिसको हम वोट नहीं दे रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, पिछले बार जो 16 आपने विधानसभा में टिकट दिया, हम 16 में 16 जीत कर बताए थे। महागठबंधन भी हमको जो सीट दिया था उसमें भी मैं 50% से ज्यादा मैंने सीट दिए थे। इसलिए अब यह समाज अब बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा, जहां सम्मान वही मतदान। अगर महागठबंधन के द्वारा उनको सम्मान मिला है, तो मैं समझता हूं कि यह समाज वहां मतदान करने में कहीं कोई कटौती नहीं करेगा। इसलिए तो मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि बेस्ट समाज का जो नाराजगी है, उसका खामियाजा बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। भोपाल जी, आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वामपंथ से किया, फिर इस वक्त आप दक्षिण पंथ की राजनीति कर रहे हैं, विपरीत विचारधारा। बीच के दिनों में आपने समाजवाद की राह भी पकड़ी। आप तीनों विचारधाराओं को भीतर से जाकर देखे हैं, बड़ा करीब से महसूस किए हैं, स्वयं उसमें आपने काम भी किया है, तो इन तीनों में से किस विचारधारा से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, मैं तो विद्यार्थी जीवन में आयशा जो भाकपा माले का छात्र संगठन से शुरू किया, वो भाकपा माले का जो अम्ब्रेला संगठन इंडियन पीपुल्स फ्रंट का जिला का सचिव, बात के दौर में फिर आपके साथ 10 वर्षों तक हिंदुस्तान की पत्रकारिता, और बात के दौर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी का असिस्टेंट पीएस मंत्रालय से लेकर उनके क्षेत्र तक, और बाद में 10 सालों से भारतीय जनता 30 सालों में का मेरा है। वामपंथ से दक्षिण पंथ की बारे में मैं देखा कि वामपंथ में जिस समाज के अंतिम प्रदान के लोगों के उत्थान की बात की जा रही है, लेकिन वहां पर राज सत्ता का जन बंधु की नली से होने की बात कही जा रही हो, और कहीं किसी जाति की हत्या हुआ उसका बदला उस जाति के हत्या करके ले लिया जाए, कभी भी हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो मैं
समाजवाद से लेके दक्षिण पंथी भारतीय जनता पार्टी की ओर आया। हमको अच्छा लगा प्रेम आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं को जब पढ़ने सुनने के बाद लगा, हमने कहा कि उधर बंदूक चलाने की बात चल रही हो, बंदूक की नली के सहारे सत्ता स्थापित करने की बात चल रही हो, और यहाँ लोकतंत्र को मजबूत करते हुए, राष्ट्रतंत्र को मजबूत करते हुए समाज के अंतिम प्रोदान के लोगों का मुखधारा में जोड़ने की बात चल रही हो, अंतोदय, और ऐसी दिखाई भी दे रही दे रही थी। लेकिन क्या संजोग है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार वैशाली में समाजवादी रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोग हुए, और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार कहने के में कहीं झिझक नहीं है कि श्री रामा सिंह बिहार का कुख्यात अपराधी डॉन माफिया को आप, हम भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए आए थे कि रामा सिंह जैसे लोगों को हम वोट करें और उनके लिए वोट मांगे। फिर हम सोचे कि भाई इसके बाद हमको अच्छा व्यक्ति मिलेगा, तो फिर दूसरे साल में श्रीमती बीना देवी जी, और बीना देवी जी क्या है, हमसे ज्यादा मुजफ्फरपुर क्या बिहार की जनता जान रही है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी आवाज बुलंद करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी, और वैशाली में आकर किस भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे जहां आपका कैंडिडेट भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ। हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे कि कभी रामा सिंह जैसे लोगों को, कभी बीना देवी जैसे लोगों को वोट दे। और मैं कहूं कि आपको परिवारवाद, तो रामविलास पासवान जी के परिवारवाद और थी उनके बेटे चिराग पासवान जी से ज्यादा कोई परिवारवाद करता है क्या? दूसरे पर पत्थर चलाने के पहले अपने गिरवार झाड़ना पड़ेगा, खुद शीशा के घर से अलग होइए तब दूसरे पर परिवारवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाइएगा। ये स्थिति है, हम लोग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे। जनता सवाल करेगी, पूछे कोलिजियम सिस्टम क्या है, न्यायपालिका में 300 परिवार के जाति के लोग पूरी तरह केंद्र में से लेकर राज तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं, क्या उनकी हकमारी नहीं हो रही है? मतलब कोलिजियम सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है कि कोलिजियम सिस्टम में क्या कि न्यायपालिका में एक वर्ग के लोग नहीं, तो ये सिस्टम तो जो आया था तो कांग्रेस के टाइम में आया था, तो फिर इसमें सुधार करने की जरूरत है क्यों? अच्छा निजीकरण जब होगा तो आरक्षण रखिएगा, क्या कीजिएगा? निजीकरण जाएगा तो आरक्षण तो पिछले दलित का आरक्षण ही समाप्त हो रहा है, तो निजीकरण की शुरुआत भी तो 90 के दशक में, फिर इसको तो बढ़ा चढ़ा कर यही ना कर रहा है ना। इसलिए बहुत अभी क्रिटिकल है, अभी बहुत बात, अभी चुनाव के समय बोलेंगे तो कहिए कि पार्टी विरोधी बोल रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी को आगाह करता हूं कि अगर आप सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास करना चाहते हैं तो कोई का बोरे बोरे नून कोई का बोरहुला न नून, किसी 10% आबादी को 10 टिकट और 90% आबादी को 7 टिकट देकर समरस समाज की स्थापना नहीं कर सकते। इसमें आपको सुधार लाना पड़ेगा, और 36% अति पिछड़ा को राजनीतिक तौर पर हाशिए में रखकर उसके समाज का वोट लेने की बात अगर कोई भी राजनीतिक दल करता हो तो अब वो अब दिन सब कुछ जाग गया। गोपाल जी, जब आप अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे, करियर की शुरुआत कर रहे थे, तो आपने राजनीति को ही क्यों चुना? आपके सामने तो बहुत सारे विकल्प। देखिए असल क्या है कि उस समय जिस हम परिवार से बिलोंग करते थे, सामंती उत्पीड़न का परिवार था, मेरे पिताजी लंबे समय तक नक्सल मूवमेंट के दौरान जेल थे, चूंकि वहां के सामंती लोग उनको विभिन्न केसों में फंसा देते थे, जेल जाते थे। उस दौरान मुझे उस सामंती उत्पीड़न और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो अंदर गुस्सा था, उस गुस्से को हम सरकारी कर्मचारी और डंडी चलाकर नहीं बल्कि राजनीति की धार से कर सकते थे, और उसी के लिए मुझे उत्प्रेरित करके राजनीति की ओर लगाए। चूंकि मेरे पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, गांव की जो पृष्ठभूमि थी, जहां एक जाति विशेष लोगों का दबदबा हुआ करता था, और समाजपुर के साहेबगंज विधानसभा, साहेबगंज बिहार, वो तो पूरे बिहार में सामंती उत्पीड़न था, पुलिसिया जुल्म था और गैर बराबरी थी, उस गैर बराबरी को
दूर करने के लिए हम लोग हमने राजनीति का रास्ता चुना, लेकिन कितना दूर हुआ, लेकिन दूरा क्या होगा। हम लोग उस समय कहते थे कि हमारा नेता कैसा हो, वीर कर्पूरी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गांधी लोहिया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जैसा हो। और आज के डेट में राजनीति कहां गिर गई, हमारा नेता कैसा हो जिसके पॉकेट में पैसा हो। आज जब 9 करोड़ 10 करोड़ देकर वैशाली और मुजफ्फरपुर का टिकट बेचकर कोई आ रहा हो, खरीद कर आ रहा हो, और यह उम्मीद करता हूं कि मैं पैसे देकर मैं वोट लेकर लोकसभा में जाऊंगा, विधानसभा में जाऊंगा, और वहां न्याय और भोपाल भारती की राजनीति कहां उचित रहा। आपका ही सारा एनडीए के उम्मीदवार वैशाली पर है? नहीं, सारा सभी जगह है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, कहीं कम है कहीं ज्यादा, इस आवाम में सभी नंगे। इसलिए हम लोग जिस समय राजनीति की बात किए थे उस समय, अच्छा कम किधर है, महागठबंधन में या बीजेपी? अब वैशाली में देखिएगा तो महागठबंधन ज्यादा दिखाई देगा, कहीं दूसरे जगह जाइएगा तो वहां, मैंने यहाँ एनडीए में जाते थे, कहीं महागठबंधन में जाते दिखाई देगा, और शिवहर में जाइएगा तो लगेगा कि नहीं, जैसा हम शोर से पता कि रितु जायसवाल जी को कोई खास पैसा नहीं लगा, बहुत जगह नहीं लगा, तो सब में अपवाद है। लेकिन इधर जो हम देख रहे हैं, माने अगर राजभूषण जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनकर आए, हम ही लोग उनके बारे में पिछले बार कहते थे कि वीआईपी से 5 करोड़ 4 करोड़ में खरीद कर आया, चुनाव हारे चले गए, मुजफ्फरपुर तक में नहीं आए, न बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, न बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, न लोगों के दुख दुख का साथी है, न बहुत बड़े गांधीवादी है, न बहुत लोहियावादी है, न कर्पूरीवादी है, और पुनः वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आ जाते हैं, तो उनमें कौन सी खूबी आ गई है। उधर तो हम आरोप लगाते थे कि मुकेश सहनी जी खरीद कर, माने से खरीद कर लाए, और वही व्यक्ति जब आपसे लेकर आता है, अच्छा वो आपसे लेकर आता है तो हम कहेंगे कि अब हम कोनो डिजिटल कौन पाउडर है, वाशिंग मशीन है, कि उधर था तो गंदा था, हमारे पास आ गया तो एकदम साफ सुथरा हो गया। इल्जाम है कि आप वाशिंग मशीन है, धो देते हैं सारे पाप, जो लोग कह रहा है, आप स्वीकारते हैं क्या पैसा? अब इस बात प्रयोग में तो दिखाई दे रहा है, दे रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, आप करीब करीब 3 दशक से सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, 3 दशक एक बड़ा लंबा अनुभव होता है, आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दे दिया है सार्वजनिक जीवन में, आप इस पूरे अनुभव के आधार पर आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आज सबसे बड़ा देश के सामने दुर्भाग्य है कि आज भी कोई भी पार्टी, हम आरोप लगाते कि केजरीवाल जी फ्री बिजली और फ्री पानी और फ्री बस पर सरकार चला रहे हैं, तो हम 5 साल आपकी सरकार हमको दीजिए, मैं आपको फ्री अनाज दूंगा, शौचालय दूंगा, हम एक तरफ जा रहे हैं चांद पर, 10 साल तक श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और 10 साल के बाद भी आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, और वोट किस आधार पर मांग रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज आपको खाने के लिए देंगे, आप हमको वोट दोगे। मैंने भोजन की सिक्योरिटी अगर आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारे पेट पर हमसे वोट लिया जाए, यह दुर्भाग्य है, यह सरकार कोई हो, सरकार आती है जाती है, लेकिन आज देश का भविष्य कहां जा रहा है। आज तो हमको श्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षा थी कि आपको इस बार चुनाव रोजगार पर मांगना चाहिए था, हर खेत को पानी पर मांगना चाहिए था, हर घर में एक नौकरी देने की बात आनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात आनी चाहिए थी, और महंगाई पर रोक लगाने की बात आनी चाहिए थी, और आप कहां आ गए 10 वर्षों के बाद। युवाओं को क्या कहेंगे? युवाओं को कहेंगे कि देखो तुम्हारा भविष्य जहां है, अपने भविष्य की तलाश करो। आपके समस्याओं का भविष्य कहां तय करे लगो, अब सिर्फ मंदिर बदल देने से उनका भविष्य नहीं बन जाएगा, 5 किलो अनाज से उनका भविष्य नहीं बन जाएगा, उनका भविष्य उनके रोजगार में निहित है। आज भी जो शिक्षा की जो दुर्दशा है, अस्पतालों की जो दुर्दशा है, कोई भी सरकार आ गए नहीं। आप अक्सर कहते हैं कि वैश्य समाज तौल करके सामान देता है, तो वैश्य समाज अपने विचारों को भी तौल करके इधर या उधर करता है, आपके तराजू पर क्या स्थिति है, मतलब क्या करे युवा? आपने जो तौला है,
क्योंकि आप अनुभवी हैं, आप ज्यादा बेहतर तौलते हैं, तो आप जो तौला है उससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देश की राजनीति आज चौराहे पर है, सभी राजनीतिक पार्टियां कमोबेश दिशाहीन है। हम सत्ता में कैसे जाएं उसकी चिंता कैसे है उन लोगों के पास, हमारा देश का युवा वर्ग कैसे जिए इस पर उनकी चिंता नहीं है, यह इस युवाओं को सोचना पड़ेगा। हम नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में समाधान नहीं है, हम न कहेंगे सारा समाधान राजीव गांधी जी में और तेजस्वी जी में और चिराग पासवान जी में है, यहाँ के लोगों को अपना भविष्य अपना तय करना पड़ेगा। सभी को देखिए समझिए और अपना भविष्य, अपने प्रदेश का भविष्य, अपने देश का भविष्य देखिए, नहीं तो ये राजनीति देश को बहुत ऐसे जगह पर ले जाएगा जहां का युवा वर्ग अगर बर्बाद हो जाएगा तो देश कभी भी प्रगति के रास्ते पर नहीं जा सकता। आपने अपना भविष्य राजनीति में तय कर लिया, क्योंकि अब आप अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा राजनीति में बिताया है, आपने तो अपना भविष्य राजनीति में तय कर लिया, जाहिर आप राजनीति में रहेंगे चाहे धारा कोई भी हो, इस धारा की करें या उस धारा की करें, तो क्या आपके इस राजनीतिक कैरियर से आपके अपने परिवार के लोग खुश हैं? स्वाभाविक खुश नहीं होना, मान गए कि आप दिवाली यू ही नहीं मनती, रात भर दिए को जलना पड़ता है, जब दिया जलेगा तो उसकी बाती से लेकर तेल तक जलता है, हम व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन करने की बात आएगी तो हमको तो दीपक की तरह जलना पड़ेगा, और जब हम दीपक की तरह जलेंगे तो निश्चित तौर पर परिवार के लोग तकलीफ होगी, क्योंकि सब कोई चाहता है इस देश में क्रांति हो, लेकिन भगत सिंह मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में बने। तो अभी आपने भोपाल भारती को सुना, तो टूक अंदाज में ये अपनी बात रख रहे हैं, जाहिर है इनकी नाराजगी है, अपने ही दल से नाराजगी है, नाराजगी बहुत स्वाभाविक है, इन्होंने तार्किक अंदाज में अपनी नाराजगी को स्थापित भी किया है। तो भोपाल जी हमारे साथ आ पाए, केकेन पर आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।